नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का हाथ है आपके ऊपर, लेकिन क्यों है दोस्तों? यह सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, तो दोस्तों इन्हें आप मिस करने की भूल ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपके जीवन की वह सच्चाई सुनने को मिलेंगी जिन्हें सुनकर आपका जीवन बिल्कुल ही धन हो जाएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह समय भगवान श्री कृष्ण का हाथ आखिर आपके ऊपर क्यों है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में लगातार अपने घर की परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, ताकि दोस्तों आपके जीवन काल में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाए और दोस्तों सभी प्रकार की मुश्किलों से आप पार हो सकें। लेकिन दोस्तों, पिछले कई समयों से आप सभी के जीवन काल में ऐसा सुधार नहीं हुआ है जिनसे आपका स्थिति बेहतर हो सके, और दोस्तों आप बिल्कुल ही निराश हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब सभी के रास्ते बंद हो जाते हैं तो दोस्तों ईश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान श्री कृष्ण का हाथ आपके ऊपर है, और दोस्तों आने वाले 36 घंटों में जो खुशखबरियां आपको मिलने वाली है दोस्तों, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अच्छी महिमा से, जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी अंदर बहुत ही इच्छा शक्ति जागृत होगा, बहुत ही ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों निवेदन है कि यह बातों को आप बहुत ही गौर से सुने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बताइए आप क्या वरदान चाहते हैं। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार चल रहा था कि मेरे यहाँ एक पुत्र जन्म हो, एक ऐसा पुत्र हो जिस पर मुझे गर्व हो। फिर संतान प्राप्ति की कामना लेकर श्री कृष्ण हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां ऋषि उपमन्यु रहते थे। उपमन्यु मुनि श्री कृष्ण के लिए गुरु समान ही थे। जब श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी को अपनी इच्छा बताई तो उपमन्यु ने कहा कि आप शिव जी की भक्ति करें। उपमन्यु की बात मानकर श्री कृष्ण ने शिव जी की भक्ति करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी और पार्वती माँ प्रकट हुई। शिव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, बताइए आप क्या वरदान चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले, मुझे श्रेष्ठ संतान चाहिए। शिव जी ने कहा, श्याम नाम का पुत्र होगा। श्री कृष्ण ने सोचा, माता पार्वती भी खड़ी है तो मुझे इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। इन्होंने देवी को प्रणाम किया तो देवी भी प्रसन्न हुई। देवी ने सोचा कि इन्होंने केवल शिव जी को ही नहीं मुझे भी मान दिया है। देवी ने कहा, श्री कृष्ण बताओ आप क्या चाहते हो। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने देवी से 8 बातें मांगी। ब्राह्मणों के लिए मेरे जीवन में सम्मान हो, सदैव माता पिता को संतुष्ट रखूं, सभी प्राणियों के लिए मेरे हृदय में प्रेम हो, मेरे बच्चे हमेशा श्रेष्ठ रहे, यज्ञ आदि करके मैं पूरे जीवन वातावरण को दिव्य रखूं, साधु संतों का सम्मान करूं, मेरे भाइयों बंधुओं से मेरा प्रेम बना रहे और मैं अपने परिवार में सदा संतुष्ट रहूं। ये 8 बातें पार्वती जी ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी को दी। अर्थात इसका सार यह कहता है कि व्यक्ति को अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए। अपने परिवार की प्रगति के लिए जहाँ से भी कुछ मिले, अगर वह शुभ है, पवित्र है और सही है तो दोस्तों उसे परिवार तक पहुँचाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह बातें आपको कितने % सच लगी हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इनके लिए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आने वाले 36 घंटों में आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, यश में आर्थिक स्थिति आपका बेहतर रहेगा। रुका हुआ या फिर उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने से आपको बहुत अच्छा राहत प्राप्त होगा, तथा दोस्तों अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप इसमें सक्षम रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी नजदीकी व्यक्ति के घर जाने का आमंत्रण भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसको प्राप्त दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार रहेंगे,
कभी कभी मन में निराशजनक या फिर नकारात्मक विचार भी आपके उत्पन्न हो सकते हैं। नैतिक रिश्तेदारों के साथ संबंध आपको मधुर बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों किसी छोटी सी बात पर भी बहस हो सकती है, तो दोस्तों इसमें बहस करने से बचें और कोई भी अच्छा या फिर बड़ी बात करने से पहले इसमें अपने वाणी पर संयम अवश्य रखें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें, यह समय अपनी किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले एक बार पुनः उस पर सोच विचार अवश्य कर लें। दोस्तों मोबाइल तथा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको यह समय मिलने वाली है। दोस्तों उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, आपके लिए यह फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही दोस्तों कोर्ट के संबंधी मामलों में भी ये जो आपके लिए समय होंगे, बहुत अधिक सावधानी रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने शुभ चिंतकों से इस प्रकार पर विचार विमर्श करने से उचित हल भी आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों की उचित देखभाल करने की भी आपको आवश्यकता होगी। इस उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि हास्य प्रयास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी आपका समय इसमें व्यतीत होने वाला है। इनसे दोस्तों आप स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। दोस्तों घर की जरूरत संबंधी कार्यों में भी आपका विशेष यह समय सहयोग रहेगा। बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि जाहिर करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा, तो दोस्तों ये कार्यों को जरूर करें आप। इसके बाद दोस्तों यश में घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के ना मिलने से कुछ चिंता भी रह सकती है, परंतु दोस्तों किसी पर इंजाम लगाने की अपेक्षा बेहतर होगी कि उसे ढूंढने का प्रयास करें। दोस्तों ग्रह स्थिति के अनुसार वस्तु आपके पास ही है। दोस्तों ऑफिस के कुछ कामों को भी यश में घर पर ही करना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें यशमय आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा व फिर क्षमता को निखारने का मौका प्राप्त हो सकता है। दोस्तों घर में समाज में आपकी विशेष यशमय उपलब्धि को लेकर चर्चाएं रहेंगी, जिससे दोस्तों आपका मन में भी इसमें उमंग रहेगा। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी योग भी बन रहे हैं, आपकी जो उपलब्धियां हैं उनकी वजह से लोगों में आपके प्रति जलन व फिर नकारात्मक परिवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, परंतु दोस्तों सबको नज़रअंदाज करके अपनी कार्यशैली को व्यवस्थित रूप से संपन्न करते जाएं, आपको रुतबे में कोई कमी नहीं आएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश मगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप ही उचित परिणाम भी हासिल होंगे, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। दोस्तों मीडिया संबंधित ऑनलाइन कार्यों से जुड़े व्यवसाय में भी फायदे में आप रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति भी कंप्यूटर वर्क करते समय सावधानी बरतें, कोई गलती होने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय संबंधी पेपर्स को बहुत अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर वगैरह करें। दोस्तों जरा सी लापरवाही से बहुत बड़ा जुर्माना या फिर हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को जो है मधुर बनाकर रखें, ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यावसायिक गतिविधियों में सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको बेहतर निर्णय भी आसानी से प्राप्त होंगे। नौकरी में भी अपने काम के प्रति किसी पर भी किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए कोई जो है इंक्वायरी होने की आशंका लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में कुछ बेहतरीन उपलब्धियां या फिर परिस्थितियां बन रही है दोस्तों, परंतु उनका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यश में ध्यानपूर्वक अपने कार्यों पर अपने ध्यान को फोकस करके रखें। दोस्तों यश में निवेश जैसी गतिविधियों में कार्य करने के लिए जो समय होंगे, उचित समय होगा। सरकारी स्वायत्त व्यक्तियों के लिए कोई शुभ सूचना मिलने से आपका मन इसमें प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक जीवन में जो है किसी सदस्य के नकारात्मक व्यवहार की वजह से घर में तनाव सा थोड़ा सा माहौल भी रहेगा, परंतु परिस्थितियों को संभालने का दायित्व तो आपको ही निभाना इसमें पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों प्रयास आपको करते रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण यश में खुशनुमा रहेगा, परंतु विवाहतर संबंधों से दूर रहें, इनका नकारात्मक प्रभाव आपकी पारिवारिक सुख शांति को भी भंग कर सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों यश में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, तथा पारिवारिक सहयोग से घर में उचित सामंजस्य बना रहेगा, आपसी संबंध भी यश में स्वादपूर्ण रहेंगे।
इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें यह समय आपसी व्यवस्था की वजह से जीवन साथी का घर में अनुशासन व फिर सामंजस्य बनाए रखने में पूरा सहयोग रहेगा, जिससे दोस्तों आप जो आपके आपसी संबंध और अधिक मधुर होंगे।